ओके तो कल जहां पे खत्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। और कल पढ़ लिया था थोड़ा बहुत ईआरपी के बारे में, है ना। और हमने ये भी समझा कि ईआरपी भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। मतलब बहुत सारे टुकड़े बनाए हैं और उनको मिक्स किया है हमने, जैसे कहा भी था स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। और एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था विच वॉज नोन एज डीकपलिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन, और उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया आपको। और क्वेश्चन अभी शुरुआत में कराने के ऊपर कोई ऐसा एम्फेसिस है नहीं, लास्ट के बोलते ना 8-10 घंटे, या कहने को 20 भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें क्लास स्ट्रेच करनी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि कंटेंट पूरा हो और आपको जो है समझाऊं पूरा पूरे तरीके से, वो जरूरी है। तो कल जो हमने देखा वो एक तरीके से यही देखा कि जो भी सिस्टम कॉम्पोनेंट्स है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क डेटा एंड पीपल, कहीं ना कहीं मिलकर के हम लोग चाह रहे हैं ईआरपी बनाने इससे, राइट। मतलब हम लोग भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ ले आएगा, है ना। और सबका जो भी वर्क ऐसा है कि एक दूसरे में मर्ज होता है तो वो डुप्लीकेसी नहीं होगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं तो जो उसकी समरी होती है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन बाद में जनरेट होगी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स ग्राफ्स और एनीथिंग, जो भी मैनेजर को समझ में आता हो, राइट। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी ना, उससे ये जो मैनेजर है ये बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ इकट्ठा मिलना चाहिए। आपको पता है, देखो जब भी हम लोगों को बड़े डिसीजन लेने होते हैं ना, तो हम ये नहीं चाहते कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिटेल में हो। हम लोगों को क्या चाहिए कि एट अ ग्लांस बताओ कि खास बातें क्या है। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते वक्त अगर थोड़ी हाई एंड गाड़ी की बात करें तो आप देखना उसमें आपको बताएगा कि टायर प्रेशर भी आप चेक कर सकते हो, मतलब आपको डैशबोर्ड भी बता देगा। तो ये जो डैशबोर्ड सर्विस है ना, जहाँ पे टायर प्रेशर भी आ रहा है, जहाँ पे फ्यूल का भी इंडिकेशन दे रहा है, बता रहा है, खुद ही अलर्ट दे रहा है कि अरे फ्यूल कम है, बाकी सारे भी अलर्ट्स मिल रहे हैं, स्पीड अलर्ट भी मिल रहा है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें, अन्य 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 चीजें जो है, नाना प्रकार की चीजें जो है, वो अभी गाड़ी के डैशबोर्ड पे आ रही है। अब देखो ना, उसमें वो सिर्फ खास बातों को हाईलाइट करके इंडिकेट कर रहा होता है। दैट इज वॉट वी वॉन्ट इन अवर बिजनेस, कि हमें ये बता दो कि की एरिया कौन सा है, और उसके लिए उस एरिया तक जाने के लिए हमको सारा डेटा चाहिए। क्योंकि सारा डेटा जब रिफाइन होके आएगा किसी सिस्टम के थ्रू छन छना कर, ठीक है ना, जिसमें पूरी छलनी लग जाएगी, जिसको बोलते हैं ना सिफ्टिंग करना या सीविंग करना, सीव करना, राइट। वो जब हो जाएगा और जो रेसिड्यू निकल के आएगा ना, वो चाहिए। और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, मतलब अपने अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। नाउ वो लेने के लिए मैनेजर को जो चाहिए वो चाहिए रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट कौन लाके देगा, एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम। So, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली कंपोनेंट कौन से लगते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क डेटा एंड पीपल। वो आप बोलोगे ईआरपी एक सॉफ्टवेयर ही तो है, तो मैंने कहा ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसको हार्डवेयर चाहिए डेफिनेटली, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीकों से कनेक्ट हो रहा है, तो नेटवर्क चाहिए, डेटा चाहिए, लोग चाहिए। लोग ये रहे ना, ये डिसीजन लेंगे, और लोग यहाँ पे भी होंगे जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होंगे, लोग इन्वॉल्व जरूर होते हैं, और डेफिनेटली पीछे कस्टमर्स भी होंगे तो सप्लायर्स भी होंगे, तो हर तरह का लिंकेज है, हाँ है ना। हाँ जी, हम लोग बोल रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क डेटा भी, हार्डवेयर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। हार्डवेयर के अंदर जब बात करते हैं तो एक, देखो सारी बातें नहीं करूंगा, जैसे आप बोलोगे कि सर इनपुट डिवाइस बताओ, आउटपुट डिवाइस भी बताओ, तो हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन हम बेसिक चीजें जरूर करेंगे, जिसपे पहली बात तो क्वेश्चन भी बन सकता है, और ऐसी चीजें जहां पे हमारे बचपन से भ्रांतियां रही हैं, हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो गलत भी रहे हैं, तो उनको भी सुधार लिया जाए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा, और मौका नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगी, और बाद में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था, लेकिन मैंने सब बताया है। जो भी पेपर में आ सकता है ना, हर एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि पता नहीं कहां से बाहर से उठकर आ गया यार, ये तो इस आदमी ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, ऐसा नहीं होगा, आपके टॉपिक के गिरती होगा सब कुछ। अच्छा, तो मैं वो बातें कर रहा हूं, मैं सारा नहीं करूंगा, हार्डवेयर में मैं नहीं बताऊंगा इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, लेकिन मैं सीपीयू पे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। देखो पहली बात तो एक मन से एक भ्रांति निकालना, सीपीयू मतलब जो आप सोचते हो ना, वो मैं बताता हूं क्या सोचते हो। हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसा कुछ होगा, देखना कुछ इस तरह का एक डब्बा होता है, और इसको यहाँ भी कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है, एक बटन सा होता है, पावर दबाते हैं अंदर लाइट जलती है, और क्या है, एक पहले के जमाने में फ्लॉपी ड्राइव भी हुआ करती थी, इसी में लगेगी, और बस कुछ आजकल यूएसबी प्लगइन्स होते हैं, सो वो बना दो चार। तो ये जो पूरा का पूरा जो डब्बा है ना, ये सीपीयू है। तो नहीं जी नहीं, इसको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इसको टावर भी बोल सकते हो, काफी लोग इसको टावर बोलते हैं, लेकिन टावर ना थोड़ी सी देसी सी भाषा हो जाती है, कैबिनेट बोलना ठीक रहेगा। तो सीपीयू ये नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। और सीपीयू की इज्जत मतलब बोलते रायता फैला देंगे, अगर हम बोल देंगे ना कि ये सीपीयू है तो ये सीपीयू नहीं है। लेकिन काफी बार हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ही बोलते हैं अरे सीपीयू ऑन करना, तो और हमारा मायने और मीनिंग यही होता है कि ये भी होता है, हाँ नीचे एक रिस्टार्ट बटन भी होता है छोटा सा, ये नहीं है सीपीयू। हाँ लेकिन यहाँ पे जो ये दो चीजें हैं पावर ऑन ऑफ, ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सीपीयू से लिंक होते हैं, वहां पे लिखा होता है नीचे सीपीयू, इसलिए हम लोग बस सीपीयू बोलने लग गए और नीचे लिखा होता है रिस्टार्ट। तो सीपीयू चालू करना सीपीयू बंद करना ये एक अलग चीज है, सीपीयू ये सब नहीं है। ये सब जो आपको दिख रहा है ये तो एक केसिंग है, ये तो एक कैबिनेट है जिसके अंदर चिप रखे गए हैं। चिप का नाम क्या है, अगर चिप का भी नाम बोलूं तो चिप का नाम है मदरबोर्ड, चिप का नाम भी सीपीयू नहीं है। तो बड़ी सी जो हरी सी प्लेट दिखती है, अगर आप कभी सिस्टम खोलेंगे तो आप खोलना मत, मेरी बात मानो। तो कई लोगों का मन कर जाएगा कि अभी तक बोल ही रहे प्रैक्टिकल चल जाते हैं खोल लेते हैं, नहीं जी आपने अपना सिस्टम खराब नहीं करना, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि आप अपने ऑफिस में जब अपना रोजमर्रा का काम करते हैं तो डेफिनेटली सिस्टम सर्विस तो करवाते होंगे, और जब सर्विस करवाते हो तो दिखता है कि यार एक हरी सी चिपसेट होती है, और काफी बार जो सर्विस करने वाला आता है ग्लोर लेके आता है, क्योंकि ना डस्ट सेटल नहीं होनी चाहिए इस पे। डस्ट एक मेजर पॉल्यूटेंट है आपको पता है, और डस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब डस्ट सेटल होती है सिलिकॉन चिपसेट्स होते हैं तो डस्ट ना हीट ट्रैप कर लेती है, और हीट इनके लिए एकदम खराब है। इनफैक्ट जैसे ही हीट ज्यादा होगी ना ये सिस्टम्स मेल्ट होना, ये चिप मेल्ट होना भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बचाव करना होता है वो हीट से बचाव करना होता है, सॉरी हीट से बचाव करना है, लेकिन अल्टीमेटली बचाव किससे करना है, इनडायरेक्टली डस्ट से, क्योंकि डस्ट होगा तो हीट ट्रैप होगी, हीट ट्रैप होगी तो जो फैन लगा होता है ना वो काम नहीं करेगा, और उसका काम सदेगा नहीं क्योंकि गंदगी जमा है, राइट, तो हीट रिलीज नहीं हो पाती। अच्छा अब समझना, इस मदरबोर्ड पे ना बड़ी विचित्र विचित्र चीज है, एक छोटा सा मैं प्रिसाइजली बोलूं तो इतना सा चिप जो होता है ना, इतना सा एक बॉक्स जैसा केसिंग होता है और काला कलर का होगा, और प्रोबेबली आप जनरली जो लैपटॉप यूज करते हैं उसमें इंटेल चिपसेट्स होता है, तो बस ऐसा करके घुमा हुआ होता है और एल में भूल गया और लिखा हुआ होता है इंटेल इनसाइड, और बस उसके वो जो चिप है ना वो सीपीयू है। अगर मैं कहूं कि उसकी केसिंग को उखाड़ दिया जाए तो वैसे डिविजन नहीं दिखेगा, लेकिन मैं इमेजिनरी करके थोड़ा सा डिविजन दिखा रहा हूं। मैंने एक तो चिकन बॉक्स कर दिया इसको पूरे को, और यहाँ पे कुछ कैश 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 करके मेमोरी भी लिख दिया, वो भी समझा दूंगा, और एक रैम भी डाल दिया, रोम भी डाल दिया। रैम रोम तो बचपन में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको परफेक्टली बता दूं ना, परफेक्टली तो गलत पढ़ाया गया है रैम रोम भी, काफी लोगों ने गलत पढ़ाया या फिर गलत ध्यान है, वो भी सही कर लेंगे। आज सारे मौके हैं और बेसिक सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमर मॉड्यूल जो है ना जिसके ऊपर मैं अभी पूरी की पूरी चर्चा कर रहा हूं, जो समझाया जा रहा हूं, जिसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं सारी की सारी, ये पेपर में आते हैं 40 नंबर का, और 40 मार्क्स अपने आप में बड़े एनकरेजिंग होते हैं, क्योंकि आप 40 नंबर को ऐसे नहीं त्याग के जा सकते कि हाँ ठीक है देख लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो डिस्कशन तो होगा, और डिस्कशन जब होगा तो पूरा ही होगा, क्यों आधा अधूरा करें, और क्यों इस तरह से चलें कि हम लोग बातें पूरी ना कर पाए। सो मैं जब बात करता हूँ आपके साथ में इन रजिस्टर्स की, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रखी है मैंने, जैसे रजिस्टर्स, L1 कैश, CU, ALU, और मैंने टोटल मिला के बोला है CPU। L2 कैश को आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप रखा है, गैप एकदम दिखा नहीं मैं हूं, लेकिन मैंने गैप रखा है, ठीक है, और गैप ज्यादा होता भी नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं रख रहा। तो L2 कैश ही कुछ है, समझेंगे, मैं टाइम लूंगा समझाऊंगा सर। रैम रोम ओके फाइन, जरा सीपीयू के बारे में समझते हैं। सीपीयू के अंदर तीन चीजें आती है, CU, ALU और रजिस्टर्स। अब सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, उसने कहा कि देखो सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, और ये जो ब्रेन है ना ये भी कुछ चीजें का दिमाग लगाएगा, सीपीयू के पास काम कंटिन्यूसली आ रहा है, तो वहां पे कंट्रोल यूनिट चेक करेगा कि क्या काम उसने पहले करना है, क्या काम बाद में करना है, यानी जॉब शेड्यूलिंग का काम, थोड़ी बहुत चीजों को समझने का काम, किसको किसको एक्सेस कराना है, वो सारा काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। और जो ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, बेसिकली वो सारे कैलकुलेशंस करता है, और वो इफ देन एल्स वाली चीजें लगाता है, और ग्रेटर देन लेस देन ये सारा काम ALU करता है। तो जितना भी लॉजिक कॉम्पोनेंट है वो सारा ALU चला रहा होता है, हमने कहा ठीक है। और आ जाते हैं रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, बड़ी टेम्पररी मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी। मैं आपसे बोलूं 2 × 2 आप बोलोगे 4, मैंने कहा 4 × 2 बोलोगे 8, 8 × 2 बोलोगे 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64। तो देखो क्या होते जा रहा है, अगर मैं आपसे लगातार 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 पूछते चलूंगा तो आप ना प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करते चलते दिमाग में थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही नया आ रहा है वैसे ही पुराना भुलाते भी जा रहे हैं। सो बस रजिस्टर जो है ना ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे हमने कहा कि अच्छा हाँ ये वाला डेटा यहाँ पे रखा है, अभी एक बार यहीं पे फटाफट लिख ले, हाथ पे लिख लेते ना कभी कभी हम लोग, और बोले कि हाँ फटाफट इसको देख लेंगे फिर मिटा देंगे।
तो इस तरह का जो डेटा होता है जो एकदम दिमाग से आता है और तुरंत चाहिए हो या फिर तुरंत काम आएगा, बस उसके आसपास की छोटी छोटी स्टोरेज जो होती है वो रजिस्टर्स होती है। तो बोल रहे हैं कि जब सीपीयू अपना काम कर रहा होता है तो कुछ कुछ स्टोरेज ना अपने पास में ही रख देते और उसके लिए जगह दी हुई है। तो ये जो मेमोरी है ना, ये एक्चुअल में जो रजिस्टर मेमोरी दिखा रखी है मैंने आपको, ये सीपीयू के ऊपर ही होती है एक तरीके से, और इसको हम लोग बबल मेमोरी कहते हैं, बबल्स में क्योंकि इसको दिखाया जाता है। सो इट्स अ बबल मेमोरी, कौन? रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स जो है हमारे, ये एक बबल मेमोरी, और ये जो बबल मेमोरी है, ये बबल मेमोरी इस तरह से दिख रही है। सर साइज क्या होगा इनका? मैंने कहा बहुत छोटा, 32 बिट से 64 बिट्स। अब आप बोलोगे बिट बाइट क्या है, तो वो धीरे धीरे कन्वेंशंस क्लियर कर लेंगे। ये समझ जाओ कि बिट छोटा है, बाइट 8 गुना है, और उसके बाद जो भी कुछ लगाएंगे किलोबाइट वगैरह सब कुछ, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट, ठीक है, खैर उतना नहीं चाहते, मैं बोल रहा हूं उसमें हर किसी में 1024 से गुना कर देते हैं। लेकिन इतना मैटर नहीं है, अपने पेपर में इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा कि आप चलो कन्वर्जन करके दिखाओ, नथिंग लाइक दैट। तो आपको ये समझना है कि बड़ी छोटी मेमोरी है, मतलब आप कुछ ज्यादा यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो ज्यादा डेटा स्टोर नहीं होता। लेकिन एक होता है ना टिपिकली जल्दी से रेफर करने वाला डेटा, वो यहाँ रख दिया जाएगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कैलकुलेशन हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसी मेमोरी लोकेशन हो रैम की जहां पे बता दे कि अरे डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, बस मेरे दिमाग में रखना है, यहां से उठाना है, तो जल्दी उठा लेंगे, ओके, इस तरह का कुछ। तो सीयू एएलयू तो बेसिकली क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं प्रोसेस, और ये करता है थोड़ा सा स्टोर, थोड़ा सा स्टोर, ज्यादा नहीं, राइट। सो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये स्टोरेज का थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, और ये देख रहा है, ये दोनों ही, इनफैक्ट मैं कहूंगा तो मैं इसके लिए भी कहूंगा इनाम इसको भी मिलना चाहिए और यही इनाम इसको भी मिलना चाहिए। ये दोनों ही प्रोसेसिंग को मैनेज करते हैं, प्रोसेसिंग करवाने में हेल्प करते हैं। सो ये जो आपने देखा था, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट, और इसके अंदर कहीं ना कहीं चिप बिछा हुआ होगा, वो जो चिप होगा उसके ऊपर एक जो चिप होगा वो शायद कहलाएगा सीपीयू, और अगर उसको भी उखाड़ दे तो सीयू एएलयू L1 कैश। अब ये कैश क्या है और ये कैश क्या है, L2 कैश क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, समझते जाएंगे। अच्छा, कैश मेमोरी को थोड़ा सा समझाता हूं, जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक पेज ऐड कर देते हैं, सिंपल हो जाएगी कहानी। अच्छा देखो, जनरली क्या होता है, हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस। अगर खुदा ना खास्ता, ठीक है, भगवान की मेहर ना हो, तो क्या पता भाई, बोलते ना कि ऊंट पे बैठे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाए। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में आग लग गई, तो आग लग गई तो अगर 6 कोस दूर उसके मामा जी रहते हैं तो 6 कोस दूर से थोड़ी ना पानी लेके आएगा, पानी कहां से लाएगा, बाजू वाले घर से मांगेगा सबसे पहले। यही होती है लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस। अब देखो सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू का काम है प्रोसेस कर, तो सीपीयू खाली बैठा है कि प्रोसेसिंग करूंगा प्रोसेसिंग करूंगा प्रोसेसिंग करूंगा। नाउ सीपीयू के हाथ बंद है जब तक उसके पास में डेटा नहीं आता। सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बड़ी गजब है, तो बोल रहे हैं बस डेटा दे दो मैं तो प्रोसेस करना चालू कर दूं, लेकिन डेटा आ रहा ही नहीं है, डेटा कंबक्त बैठा हुआ है। और डेटा आ क्यों नहीं रहा है, तो बोले कि डेटा जो है ना बड़ा दूर है, रैम पे डेटा पड़ा है, वो रैम पे जो डेटा है बड़ा दूर है, तो बोले रजिस्टर्स में ढूंढ लो। बोले रजिस्टर्स में तो स्पेस ही जरा सी। अब अगर आप रैम की बात करें तो रैम की तो स्पेस के बारे में आपने शायद सुना ही होगा, 4GB भी सुना होगा आपने, और जनरली अभी तक जो चल रहा है 8GB चल रहा है। मेरे खुद के सिस्टम में 16GB है, राइट, मैं जिस लैपटॉप से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मेरे पास एक और सिस्टम यहाँ पे पड़ा है उसमें 32GB रैम है, राइट। और हम और भी देखते रहते हैं, मतलब मजा आता है ना, टेक्नोलॉजी का टीचर हूँ तो कोशिश करता रहता हूँ कि खुद तो सबसे एडवांस ही रहूँ, लेकिन फिर भी नहीं हूँ एडवांस सबसे, बस जुगाड़ है जुगाड़, ठीक है। अच्छा मेरी बात और सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो 4GB 8GB ये जो रैम दिख रहा है और उसके कंपेरिजन में इसको देखें तो ये तो हजारों गुना कम है। अब हजारों गुना कम है तो डेफिनेटली सीपीयू थोड़ी देर में इधर से तो खाली हो ही जाएगा, यानी उसको कॉन्स्टेंटली चाहिए। उसको कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए, देखो मैं बनाऊंगा फिर मिटा दूंगा, तो आप अभी बस सुन लेना। उसको कॉन्स्टेंटली ये चाहिए कि रैम से कुछ डेटा उसके पास आते रहे जिससे वो काम करे। लेकिन रैम और सीपीयू के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस की वजह से वो डेटा थोड़ा दूर है और वो कुछ टाइम लेगा। अब आप बोलोगे कि फिर तो सर रैम को सीपीयू के पास चिपका देते, ये भला काम क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि लोगों ने सोचा नहीं, इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो आपके जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, लेकिन आप इतना महंगा कंप्यूटर खरीदना पसंद नहीं करेंगे, करीब करीब 600 करोड़ रुपए नहीं, इतना महंगा तो हम नहीं लेना चाहेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि चलो वहां तक नहीं जाते, नॉर्मल बात करते हैं। मैंने कहा दूर दूर है, दूर दूर,
तो ये जो दूरी है ना, उस वजह से जो है सीपीयू को टाइम लग रहा है, और ये टाइम लैग ना, ये टाइम लैग अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि वो खाली बैठा है, और कोई खाली बैठा है और अगर कोई और नहीं कर पा रहा तो हम उसको बॉटलनेक रिसोर्स बोलते हैं, कॉस्टिंग में बढ़ा था हमने, हम उसको बॉटलनेक रिसोर्स बोलते हैं, अच्छी बात नहीं है, बॉटलनेक होना अच्छी बात नहीं है। तो प्रोसेसिंग बॉटलनेक आ रहा था, क्यों? क्योंकि सीपीयू खाली पड़ा हुआ है और डेटा आने में टाइम लग रहा है। तो सोचा गया कि एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ ऐसी छोटी मेमोरी बना दो। देखो रैम ना बहुत हीटअप होती है, तो इसलिए रैम को थोड़ा दूर रखा जाता है, राइट? और मदरबोर्ड पे डेडिकेटेड फैंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना अच्छा प्रोसेसर है और कितना अच्छा रैम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनको बोला कि रैम को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, कोई छोटी मेमोरी और बना लो यार, इससे तो बड़ी कर देना और इनसे छोटी कर देना। तो हमने कहा कैश मेमोरी करते ना, तो कैश मेमोरी जो है वो करीब करीब आप कह सकते हैं कि 16 MB के आसपास की हो सकती है। और दो तरह की कैश होती है, एक कैश तो जो मदरबोर्ड पे आती है, और एक कैश जो सीपीयू का पार्ट हो सकती है, तो उसको लेवल वन बोलते हैं। जो सीपीयू का पार्ट होता है कैश का, उसको लेवल वन बोलते हैं, जो मदरबोर्ड पे कैश होती है उसको लेवल टू बोलते हैं, और कहीं ना कहीं इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन कर दो, राइट? तो अब क्या होगा, अब जो रैम है उसका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा है करीब करीब 15-16 MB तक, वो L2 कैश पे आ गया, और कुछ 15-16 MB L1 कैश पे आ गया। तो अब सीपीयू क्या कर सकता है, जल्दी से एक्सेस कर सकता है, अगेन वही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस। तो हमने छोटी छोटी मेमोरीज को और ऐड ऑन करा, ये छोटी छोटी मेमोरीज ऐड ऑन करने से हमारा जो समय है वो थोड़ा सा कम हो गया, वक्त जो है वो कम हो गया, हमारी चीजें हो गई हैं जी थोड़ी सी आसान। अच्छा मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे देता हूँ, वो एक्सरसाइज आप कर लेना, आपको कैश मेमोरी का भी जो महत्व है वो प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएगा। अपने मोबाइल में एक क्लियर कैश का कॉन्सेप्ट होता है, हाँ जी होता है, वो क्लियर कैश का कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले क्या करना, सबसे पहले जाना और पहले ना फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी आपका पसंदीदा ऐप है वो चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, 3-4 बार चला लेना, तो एक तरीके से फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड में आ जाएगा। अब जरूरी नहीं आप लोग चलाते हो, अगर आप यूजुअली बहुत ज्यादा चलाते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो ना कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर आप एक बार चलाना तो देखोगे कि फटाफट आ रहा है, फिर आप क्या करना कैश मेमोरी को 2 बार क्लीन कर लेना, मेरे कहने से 2 बार कर लेना, एक बार नहीं 2 बार कर लेना, 2 बार करने के बाद एक्सेस करना, देखना वो लोड होने में टाइम लेगा, यानी थोड़ा सा ही टाइम लेगा, ज्यादा लेकिन लेगा, आपको समझ में आ जाएगा उससे कि मैं जो कह रहा था वो क्या था और रजत क्या समझा रहा था, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो बस ये समझाने के तौर पे मैंने आपको दर्शाया है, ठीक है? डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम से बहुत चीजें समझ में आती है। अच्छा अब रैम जो है, रैम वो थोड़ा ज्यादा है और आपको भी पता है सब टेम्पररी डेटा रखते हैं। अब ये जो रोम है, रैम और रोम, इसमें भी कंफ्यूजन है और हमने बचपन में गलती की है क्योंकि हमारी जो मैडम ने पढ़ाया ना उसमें वाकई में कुछ बड्डाधार हुआ हमारा। आपने जो रैम और रोम के बीच में डिफरेंस पढ़ा है ना, आपने बताया क्या पढ़ा है, आपने बहुत चीजें सही पढ़ी है लेकिन एक चीज बड़ी गलत पढ़ी है। आप हमेशा ऐसा बोलते रहे कि रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है जो कि एकदम ठीक है, लेकिन आप हमेशा बोलते रहे कि रोम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी। अब वो ऐसा नहीं है कि आप में से सभी लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आप में से काफी लोगों ने ऐसा ही पढ़ा हो। तो भ्रांति मिटाना भी बहुत जरूरी है, गलत मिटाऊंगा नहीं तब तक सही इमारत बनाऊंगा कैसे। So, जो रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसको पहले डिमोलिश करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये गलत है, ये तो सही है। अच्छा दूसरी बात जो आपने सुनी है वो ये सुनी है कि एग्जाम्पल की बात करें तो रैम तो अपने आप में एक चिपसेट ही है, तो रैम चिपसेट तो ऐसे ही आ जाता है। हाँ एग्जाम्पल के नाम पे हमारे पास में एक DDR रैम होती है, एक SDR रैम होती है, ऐसा भी कुछ होता है। और रोम का एग्जाम्पल जब आता है तो हम बोलते हैं CD-ROM, DVD-ROM। तो हमने कहा जी ये भी टोटली गलत है, तो ना ये सही था ना ये सही था। अब सवाल ये आता है कि क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, जो कि आप बिल्कुल हैं क्योंकि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वहां तक तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि हाँ हमने जो बेसिक एलिमेंट्री चीजों को पढ़ा शायद हमने गलत तो नहीं पढ़ लिया। अब देखो रोम जो है, रोम ये नहीं है, रोम बिल्कुल भी ये नहीं है जो आप सोच रहे हो। पहली बात तो रोम सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, रोम भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, जस्ट लाइक इट। और रोम का फुल फॉर्म वगैरह सब सही बता दोगे आप, वो मुझे पता है, रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी जब बताओगे तो आप ये भी बोलोगे कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर से सिर्फ डेटा रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, तो आप मुझसे लड़ाई भी करोगे कि सर एक तो नाम के आगे रोम भी है और ऊपर से सीडी रोम में भी डेटा रीड कर सकते हैं और आगे जाके उसके बाद में एक बार डेटा डालने के बाद छेड़ नहीं सकते। मैंने कहा आपकी बात भी सही है, लेकिन फिर भी उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। देखो सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी होता है एडिशनल, जो आता नहीं है लग कर। मदरबोर्ड पे जो भी लग के आया है वो तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी मेमोरी होगा, मैं ऐसा भी कह सकता हूं जैसे मैंने आगे क्लासिफाई करा,
थोड़ा सा देखिएगा, मैंने कहा कि जो भी मेमोरी सीपीयू के अंदर अंदर सीपीयू के साथ में थी, जैसे कि रजिस्टर्स और L1 कैश, उसको बोलेंगे इंटरनल मेमोरी, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि मेमोरी सीपीयू के तो बाहर है लेकिन मदरबोर्ड के अंदर अंदर है, जैसे कि रैम रोम L2 कैश मेमोरी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी तो मैंने डिस्कस कर लिया, और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी, मेमोरी आउटसाइड द मदरबोर्ड, यानी हार्ड डिस्क, सीडी रोम सब कुछ आ जाएगा। तो सब एक जैसी चीजें दिखनी चाहिए ना। अब सीडी के आगे रोम क्यों लगाया, उसका रीजन मैं आपको समझाऊं। देखो, अब आप ऑफिस चलाते हैं तो डेफिनेट बात है कि कभी कभी आपको विंडोज भी फॉर्मेट करवानी पड़ गई होगी, और नहीं करवानी पड़ी है तो बड़ी शुक्र की बात है कि नहीं करवानी पड़ी है, बहुत खुश रहना चाहिए। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, यानी डेटा परमानेंट रहेगा, डेटा उड़ेगा नहीं, ये तो बात हम लोगों को बचपन से पता है, लेकिन रोम को लोकेट नहीं कराया गया था सर, और मदरबोर्ड पे तो हमने कभी लोकेट किया ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा मदरबोर्ड पे ही रॉम होता है। थोड़ा सा सर्च करना, आपको मेरी बात गलत नहीं लगेगी, मैं झूठी बातें नहीं बोल रहा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि रॉम में होता क्या है, फिर ये रॉम करती क्या है। सवाल तो यह आएगा रैम का, तो हमने बार बार सुना है कि रैम स्पीड ही देता है एक तरीके से, तो हमने कहा जी इनडायरेक्टली स्पीड ही देता है, क्योंकि डेटा स्टोर ज्यादा कर सकते हैं रैम, तो जो सीपीयू है उससे करीब है। हार्ड डिस्क अगर हम देखेंगे तो मदरबोर्ड के भी बाहर है तो और भी दूर है, तो हार्ड डिस्क से अगर डेटा लाना है तो टाइम लगेगा, लेकिन रैम से अगर सीपीयू को डेटा लाना है तो कम टाइम लगेगा, तो इसलिए हार्ड डिस्क बढ़ाने से रैम की कमी कॉम्पनसेट नहीं हो सकती। सिमिलरली कैश की कमी रैम बढ़ाने से कॉम्पनसेट नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर हमने कैश मेमोरी के बारे में तो हमको कोई कोई बताता ही नहीं, तो मैंने कहा देखो क्या होता है, हर सिस्टम की ना कैश, क्योंकि बड़ी महंगी मेमोरी है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो कैश है ना वो हर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट आती है, ठीक है ना। तो जनरली लोग कैश नहीं चेंज कराते, ना ही बदलने योग्य है। जितने की आप समझो 8 GB रैम आती है, उतने की 16 MB कैश आती है। तो अब आपको इससे क्या फंडामेंटल आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैश इतना छोटा मोटा मामला नहीं है और चेंज नहीं करवा पाओगे। अच्छा, रोम जो है, रोम के अंदर पता है कौन सा डेटा होता है, ऐसा डेटा जो मैन्युफैक्चरर ने भर दिया है। आपको दिखाता हूं, मैंने आपको कहा कि आप जब अपना सिस्टम फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट करने का मतलब है सारा डेटा हट जाना, लेकिन जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो जो भी ब्रांड का लैपटॉप है वो ब्रांड की एडवर्टीजमेंट तुरंत आ जाती है, सबसे पहले सामने आ जाती है, और बोले हमने 4 बार फॉर्मेट करा लिया, किसी ने 6 बार फॉर्मेट करा लिया, तो भी वो नहीं हटता है। वो डेटा कहां में पड़ा है, वो सारा रॉम में पड़ा है, दिस इज हार्ड वायर्ड सर्किटरी, और जो सीपीयू है वो रॉम से जो डेटा है ना वो डायरेक्टली एक्सेस करता है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना ये डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, कौन एक्सेस कर रहा है, सीपीयू एक्सेस कर रहा है, कहां से एक्सेस कर रहा है, रॉम में से एक्सेस कर रहा है। तो ये जो डेटा एक्सेस हो रहा है, अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेटा एक्सेस हो रहा है ये डेटा किसका है, मैन्युफैक्चरर का डेटा है। तो इसका मतलब जो मेरा लैपटॉप चालू होता है और लिखा आता है डेल, किसी का लैपटॉप चालू होता है लिखा आता है माइक्रोस्टार इंटरनेशनल, यानी कि मेरा लैपटॉप वो लिखा आता है, किसी का लैपटॉप चालू होता है लिखा आता है या फिर बना हुआ आता है एप्पल का चिप, तो वो सारा किसने डाला है, मैन्युफैक्चरर ने डाला है। तो आपने बोला बस मैन्युफैक्चरर को अपना ऐड करने के लिए रॉम यूज करना पड़ा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैन्युफैक्चरर ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आपका बूट प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम मतलब जो सिस्टम चालू करने का प्रोग्राम होता है वो कहां डाला उसने, रॉम में डाला। आपकी जो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है, आप भी जानते हो कि आप 4th generation लैंग्वेज यूज करते हो, 5th generation इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आप लोग 4th generation प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, इसका मतलब आप काफी हद तक नॉर्मल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने सिस्टम को, जबकि सिस्टम बाइनरी समझता है, तो उसके लिए कौन चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, हम कह सकते हैं कंपाइलर या असेंबलर चाहिए, जो भी कहा जाए, ठीक है। तो वो सब चाहिए हम लोगों को, तो वो कहां पे डाला गया होता है, वो रॉम में बाय डिफॉल्ट डाला गया होता है, तो इसलिए कभी भी डिलीट नहीं होता। अच्छा, क्या रॉम भी अलग अलग टाइप की आती है, मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल आती है। तो रॉम के अगर टाइप आपको देने हो तो अब मैं आपको सही सही चीजें बता देता हूं। चलो, रॉम के बारे में अगर हमें कुछ लिखना ही हो या कुछ समझना ही, समझा रहा हूं सिर्फ, ज्यादा नहीं मेहनत करूंगा क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन मालूम होना चाहिए। सो प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, हमने कहा हाँ जी आपको भी प्राइमरी मेमोरी ही बोलेंगे, तो ये डिफरेंस नहीं हुआ, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। और रॉम जो है ना वो अलग अलग टाइप की आती है, एक होती है प्रॉम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होती है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी विच हैज टू बी एक्सपोज्ड डी प्रोग्राम, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी विच इफ एक्सपोज टू लेजर लाइट उसमें से डेटा इरेज कर सकते हो और नया डेटा डाल सकते हो। सो ये तो हुई बात मजे की। ये है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कंटेंट जो है बड़े वॉलेटाइल, और यहाँ जो कंटेंट है वो वॉलेटाइल नहीं है, सो दिस इज रीड ओनली, मतलब एक बार जो डेटा डल चुका है वो डल चुका है, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। तो अब देखो, सीडी रॉम ने जो रॉम का नाम लिया है
जो गुस्ताखी उसने की है रोम का नाम लेने की, उसमें गड़बड़ क्या है वो सुनना। सीडी रोम ने जो नाम लिया रोम का, उसमें वो रोम की एक कैरेक्टरिस्टिक उठाता है जहां पे वो बोलता है कि आप मेरे यहां से सिर्फ मेमोरी रीड कर सकते, लेकिन मैं डिवाइस तो सेकेंडरी हूं क्योंकि मैं तो बाहर से आया था, मैं थोड़ी ना मदरबोर्ड पे आया। तो हमने कहा जी बात तो ठीक है, तो बोले ये तो बाहर का है, तो है वो सीडी बट साथ में रोम वर्ड यूज किया टू गिव अ फ्लेवर कि हाँ ये काम रोम जैसा करता है, क्योंकि यहां से सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो, यहाँ पे डेटा आपको एडिट करना लोगे, जबकि हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी डिवाइस है, वहां से तो डेटा जो मर्जी डिलीट करो, इसलिए रोम को सेकेंडरी मेमोरी नहीं कहते। कई लोग रोम में एग्जाम्पल हार्ड डिस्क देते थे विच इज रॉन्ग, और पता नहीं आपके स्कूल में भी मुझे लगता है कि शायद मैडम ने कुछ तो गड़बड़ की थी पढ़ाते समय, आई एम वेरी श्योर। सो गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो तो मैं शुक्र ही मानूंगा। अच्छा आगे चलते ना, सो ये भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। और इसके भी बाहर अगर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ठीक है। अच्छा रजिस्टर भी जो है ना वो चार टाइप के होते हैं, इस पे एक एमसीक्यू आ सकता है, तो मैंने एमसीक्यू का दायरा भी बता दिया, लेकिन अब मैं आपको ऐसे सीधे सीधे बोल देता कि रजिस्टर का भी एमसीक्यू आ सकता है। चार टाइप के रजिस्टर होते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला काम कौन सा रजिस्टर करता है, तो आप इससे नहीं बता सकते थे, आपको पहले रजिस्टर पे ज्ञान चाहिए था कि रजिस्टर है कहां पे, पहले वो तो समझे। अच्छा तो रजिस्टर के अंदर तीन चार टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक होता है स्टोरेज रजिस्टर, टेम्पररी वैल्यू है, छोटी वैल्यू एक जगह पे स्टोर करके रखना चाहता है कर देगा, ठीक है। अच्छा अक्यूमुलेटर क्या करते हैं, रनिंग टोटल मेंटेन करते हैं, जैसा मैं बता रहा था 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो वो दिमाग में चल रहा है, इक्वेशन और भी चल रही है लेकिन एक रनिंग टोटल साथ साथ मेंटेन करते जा रहा है। एड्रेस रजिस्टर वो ये बताता है कि कौन सी जगह पे रैम में या किसी भी प्राइमरी मेमोरी में कहां पे वो डेटा पढ़ रहा है, चाहे वो रैम हो चाहे वो रोम, वो सेव करना। सो ये छोटे मोटे काम, और मिसलेनियस कोई भी जनरल पर्पज का काम हो कर ले रहा। सो एड्रेस रजिस्टर इज फॉर टेम्पररी एड्रेस इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज रजिस्टर इज फॉर टेम्पररी स्टोरेज। सो द वर्ड टेम्पररी हैज टू बी देयर, क्योंकि ये सारी मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल है। क्या रजिस्टर की मेमोरी भी वॉलेटाइल है, जी हाँ। क्या कैश की मेमोरी भी वॉलेटाइल है, जी हाँ। तो हमने कहा कि रजिस्टर और रैम में बहुत ज्यादा अंतर ना हो जाए, या फिर मैं कहूँ सीपीयू या रैम में अंतर ना हो जाए, इसलिए हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, एक और कॉन्सेप्ट आता है जो होता है वर्चुअल मेमोरी। ये एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट आपके हार्डवेयर से रिलेटेड है नहीं, लेकिन जब भी हार्डवेयर के बारे में लिखते हैं तो समझा देते हैं क्योंकि हार्डवेयर का यूज हो जाता है। So, देखो एक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि अगर आपकी रैम कम पड़ रही है किसी भी टास्क को करने के लिए, खासकर जो लोगों ने गेमिंग की है उनको बिल्कुल मतलब दर्द महसूस हो। So, अगर रैम लो रन कर रही हो लेकिन फिर भी रैम पे करने को टास्क हो, तो रैम ना एक काम कर सकती है, रैम अपना जो टास्क है उसको टेम्पररीली ना एक हार्ड डिस्क स्पेस पे डाल सकती है, मतलब उसको हम ना शिफ्ट कर सकते हैं अपना जो अभी एक ऐसा काम है जो जिस पे रैम खर्च नहीं हो रहा है, तो रैम में से वो डेटा निकाल के टेम्पररीली हार्ड डिस्क पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम में मैनेजमेंट का टेक्निक है, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। वर्चुअल का मतलब ही क्या होता है, काल्पनिक, तो काल्पनिक है, कोई असलियत नहीं है इसमें, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने कहा कि रैम बहुत ओवरलोड हो चुकी है, रैम 4 GB के आसपास है, हार्ड डिस्क जो है वो 1 TB पड़ा है, 1 TB, तो रैम बोल रहा है कि मैं अपना कुछ सामान थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे पास रख दूं, तो हमने कहा जी हाँ रख दो। हार्ड डिस्क ने वो सामान रख लिया, थोड़े टाइम के लिए रैम फ्री हुई, तो रैम ने जो काम उसी समय करना था वो रैम ने कर लिया, और रैम को पता है कि आगे ये काम भी करना है, तो रैम ने वो उठाया हार्ड डिस्क से और आगे प्रोसेस करना चालू। डेफिनेटली ये जब प्रोसेस होगा टू और फ्रो मूवमेंट का, तो रैम खाली होगी, रैम अपना काम कर लेगी और फिर हार्ड डिस्क का डेटा लेके आगे प्रोसेस कर देगी, लेकिन रैम क्योंकि छोटी है और हार्ड डिस्क क्योंकि बड़ी है, तो मैनेजमेंट तो हो जाएगा, लेकिन आपको भी पता है कि डेटा आने और छोड़ने में टाइम भी लगेगा, और आपको भी पता है हार्ड डिस्क से डेटा ला के प्रोसेस करने में सीपीयू को और टाइम लगेगा। सो कहीं ना वो डिले दिखेगा। आपने काफी बार ऐसे कुछ गेम्स देखे होंगे, या फिर आपके अगर बच्चों ने खेले हैं तो उन्होंने उनके गेम्स के पीछे आप देखना सिस्टम रिकमेंडेशंस लिखी होती है। काफी बार रैम में लिखा होता है कि 4 GB चल जाएगा, लेकिन लिखा होता है आगे फिर 8 GB रिकमेंडेड। बोले 4 GB में चल जाएगा, लेकिन अगर वर्चुअल मेमोरी वाला गेम उसमें हो गया तो गेम स्लो चलेगा, मजा नहीं आएगा, और वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रैम जो है वो ओवर ऑक्यूपाई हो गई, तो दिक्कत है, क्योंकि 4 GB बोला है तो 4 GB पूरा का पूरा तो अवेलेबल होगा नहीं, उसमें से कुछ रैम तो किसी ना किसी और कार्य में भी खर्च हो ही रहा होता है, सिंपल बात है। अच्छा तो जो भी स्पेस जो हार्ड डिस्क की एलोकेट होती है ना टेम्पररी वर्चुअल मेमोरी के नाम पे, उसको बोलते हैं पेजिंग फाइल या स्वैप फाइल। वैसे स्वैप फाइल अलग होता है टेक्निकली, लेकिन इंस्टीट्यूट बोलता है कि इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, तो मैं डिनाई नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आगे आपके लिए तो हो रखा है काला अक्षर भैंस बराबर, और मैं लड़ाई और कर लूं इंस्टीट्यूट से, वो काम हमने नहीं करना। हमने बोलना हाँ ठीक है इंस्टीट्यूट कहता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आपको दो वर्ड ध्यान रखने हैं वर्चुअल मेमोरी के संदर्भ में, कि वो पेजिंग फाइल या आप कह लो स्वैप फाइल बताता है। अब एग्जाम में प्रॉब्लम कहां आ सकती है, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके पास में क्वेश्चन आया
इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे रखा है, और आपको बोला कि आप बताओ वर्चुअल मेमोरी जो हार्ड डिस्क पे फाइल बनाते हो उस टेम्पररी फाइल को क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन में तो लिखा था पेजिंग फाइल, दूसरे में लिखा था स्वैप फाइल, सी में अब कायदे से होना चाहिए था बोथ ए एंड बी लेकिन नहीं था, कोई और ही ऑप्शन था, और डी में नन ऑफ दीज है। तो आप उस पर क्या टिक लगाएंगे, तो आपको पेजिंग फाइल पे टिक लगाना है। सो पेजिंग फाइल विल टेक प्राइमरीली बेटर स्पॉट एज कम्पेयर टू स्वैप फाइल, लेकिन इंस्टीट्यूट के खुद के मॉड्यूल में लाइन लिखा हुआ है और वहां इंस्टीट्यूट बोलता है कि पेजिंग फाइल और स्वैप फाइल जो है वो इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूट का है भाई साहब, मेरा तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, बाद में ऐसा ना हो कि मैंने बताया नहीं ऐसा बोल दो आप, इसलिए मैं पहले से ही क्लियर करके चल रहा हूं। अच्छा, हार्डवेयर हो जाने के बाद अगला नंबर किसका आना चाहिए या अगला चांस किसका आना चाहिए? सो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का ही आएगा। सो अगले चांस में अपने को डिस्कस क्या करना है, यानी व्हाट हैज टू बी देयर इन इन द कंपोनेंट व्हिच इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर दो बातें आएंगी, एक तो आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। अच्छा समझना, मैं कुछ यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, मैं बहुत सारे दिख रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी फ्रेम चल रहा है साथ साथ, ठीक है ना, तो मिनिमाइज कर देते। अब जो दिख रहा है वो देखो, अभी स्क्रीन दिख रही है, सर ये जो स्क्रीन दिख रही है वो क्या है? मैंने कहा ये तो है मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन। मैंने कहा डेस्कटॉप स्क्रीन का लुक कहां से आया? तो मैंने कहा दिस हैज कम फ्रॉम माय ऑपरेटिंग सिस्टम। कहां से है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आप कहेंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम निश्चित रूप से विंडोज ही होगा, मेरा विंडोज 10 है, क्योंकि आपको नीचे जो है वो सिंबल दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप ही दिखा रहा है कि विंडोज है। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, इतनी सारी चीजें सर, क्या गंद मचा रखा है आपने लैपटॉप पे, चलता है, अब क्या करूं, खुद का मिसमैनेजमेंट ही है लाइफ में, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं अपना काम करने के लिए कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है इसको प्यार से बोलते हैं इनकोड, और जिस चीज से रिकॉर्ड हो रहा है उसको बोलते हैं एक्स स्प्लिट ब्रॉडकास्टर, जैसा यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्प्लिट। नाम सुन के बड़ा अजीब अजीब लगता है एक्स स्प्लिट, लेकिन कुछ नहीं है, कोई गेम नहीं है, सिर्फ नाम ही ऐसा है, बाकी काम बड़े अच्छे हैं। काम तो ये है कि दो वीडियो को जोड़ देता है, तो आप देख रहे हो साथ साथ में स्क्रीन भी चल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, वो काम इसने करा और नाम रखा है एक्स स्प्लिट, ठीक है, जो भी है सही है, तो चलने दो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चलने वाला जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी क्रांति लाने वाला इंसान कौन? तो आप बोलोगे बिल गेट्स, बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि पहला वर्केबल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि दुनिया भर में बोलते हैं ना सम्मानित, रिस्पेक्ट से देखा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन ले गए? बिल गेट्स लेके आ गए। अब जब बिल गेट्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाए तो बिल गेट्स के पीछे थॉट प्रोसेस क्या चल रही होगी? व्हाट माइट हैव बीन बिल गेट्स थिंकिंग? बिल गेट्स ने सोचा कि मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि मैं रोजमर्रा का काम आसान करूं लोगों का। अब देखो लोगों का काम आसान कैसे होता है, समझना मेरी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जिंदगी सुधारता है उसको थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने मुश्किल है और क्योंकि बड़ी बेसिक नॉलेज है, लेकिन क्योंकि हमारे मॉड्यूल में है स्किप नहीं करा था, स्किप नहीं कराऊंगा, स्किप करा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने कुछ स्किप कराया ना अपनी लाइफ में उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ये हुआ है टीचिंग करियर के अंदर। आप छुड़वाओ, इंस्टीट्यूट बोलेगा आ जा, रजत ने छुड़वा दिया, पक्का पूछूंगा, ठीक है, हाँ, तो अंतर आत्मा में झांक लेता है, गलत कर देता है ना, ऐसा ना हो। तो मेरी बात सुनना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो विंडोज है या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो मोबाइल में भी यूज करते हैं, सो आईओएस यूज करते हैं लोग या लोग एंड्रॉइड करते हैं, विंडोज एकदम से बंद ही कर दिया लोगों ने यूज करना, तो नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मोबाइल फोन में अगर विंडोज का नाम लिया जाए तो इज्जत कम होती है मोबाइल फोन की, और अगर लैपटॉप में विंडोज के अलावा कोई नाम लिया जाए तो लैपटॉप की इज्जत कम हो जाएगी या कंप्यूटर सिस्टम की इज्जत कम हो जाएगी, विंडोज इतना अच्छा है क्योंकि उनके लिए, लेकिन अभी बात करते हैं मोबाइल की। अच्छा, आपने हमेशा ऐसा सुना है व्हाट्सएप फॉर आईओएस, व्हाट्सएप फॉर आईओएस, और आप ऐसा भी सुनते हो व्हाट्सएप फॉर एंड्रॉइड। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना व्हाट्सएप फॉर सैमसंग? मेरा सवाल है कि आपने कभी ऐसा सुना व्हाट्सएप फॉर सैमसंग, या फिर आपने सुना वो चाइनीज है ना Xiaomi। अच्छा, और अगर आपने सुना हो व्हाट्सएप फॉर रेडमी, वही Xiaomi भी हो गया, रियलमी या वन प्लस या और कौन से आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वीवो, ओप्पो, रेनो,
तो ऐसे करते जाएंगे अगर तो सर ब्रांड खत्म नहीं होंगे। कई लोगों को लग रहा होगा खत्म हो तो गए, लेकिन नहीं हुए। इतने सारे ब्रांड्स हैं संसार में। जैसे मैं अभी कुछ नाम और ले लेता तो मैं ले लेता सीमेंस, नोकिया, वाकई में कुछ नहीं किया उसने। अब आप अगर इतने सारे नाम सुनोगे तो आप बोलोगे कि सर अगर व्हाट्सएप वाले को हार्डवेयर के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ जाता तो पागल हो जाता। तो हमने कहा कि एक चीज ऐसी करते हैं, एक चीज बीच में डालते हैं, और वो हमने क्या डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने कहा कि बाजार में अगर किसी को हार्डवेयर बनाना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के बनाए, और जो एप्लीकेशन बना रहा है वो भी किसको देख के बनाए, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखकर बनाए। सो मैं ऐसा कह रहा हूं, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए हैज टू बी इक्वल टू सी। तो एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग टाइप के हार्डवेयर से आराम से इंटरफेस कर जाएगा, प्रोवाइडेड कि हार्डवेयर बनाने वाले जो हार्डवेयर है वो बनाए किसके हिसाब से, सर वो बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, और जो एप्लीकेशन बना रहा है वो भी किसके हिसाब से बना ले अपना एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बना ले। अगर इसी तरह से तालमेल बनता रहा और इसी तरह से दुनिया चलती रही तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब हम लोग तो तरक्की कर ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। नहीं जी नहीं। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो ये भी एक चीज हो सकती है। नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू। अब आप बोलोगे कि सर सॉफ्टवेयर का तो समझ में आता है क्योंकि हमने देखा है व्हाट्सएप फॉर एंड्रॉइड एंड व्हाट्सएप फॉर आईओएस, ना कि व्हाट्सएप फॉर सैमसंग व्हाट्सएप, हार्डवेयर में नहीं सुना कभी। तो मैंने कहा आज चलो हार्डवेयर में भी बात करते हैं, हार्डवेयर में बात करूंगा क्योंकि हार्डवेयर ना बाय डिफॉल्ट आप लेके आ जाते हो तो वो कॉन्फिगर्ड ही होता है, और जितना भी लैपटॉप का और कंप्यूटर का हार्डवेयर आता है वो तो आता ही मैक ओएस के ऊपर और विंडोज के ऊपर है, तो इसलिए क्या आपने कभी देखा नहीं। लेकिन आप ना अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, आपको अब समझ में आएगा। सो चल रहे हैं अमेजोन पे, अमेजोन इंडिया, चलो। सो अमेजोन डॉट इन एंड अमेजोन डॉट इन पे ये मेरे एंटीवायरस को भी क्या नाटक है। अच्छा मैं बिजनेस वाला कुछ लिया नहीं है लेकिन मैंने, अच्छा मैं चलो ले लेते हैं आज, आज कुछ ले लेते हैं एक्सटर्नल। ओहो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, चलो सर बताओ लेके दिखाओ आज कुछ। तो मैंने कहा कि ये रहा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और सीगेट का कुछ बता रहा है, मैंने कहा चलो सीगेट का ही देख लेते हैं, बुरा तो आता नहीं। और हमने कहा कि ये आपको दिख रहा है सीगेट का हार्ड ड्राइव, कुछ टेक्निकल डिटेल्स वगैरह भी दे रखी है। अभी टेक्निकल डिटेल्स ना बड़ी भारी पड़ती है पढ़ने समझने में, मैं कुछ देख रहा हूँ डायरेक्ट कंपैरिजंस मिल जाते तो अच्छा रहता है क्योंकि हम लोगों को दिमाग ना लगाना पड़ता। अच्छा कोई और देखें, यहाँ पे मुझे ना वो डेटा नहीं दिख रहा है जो मुझे चाहिए था। अच्छा चलो प्रोडक्ट डिटेल्स पे और चलते हैं, इन्होंने तो नीचे पटक दिया ले जा करके और नीचे कुछ दिखा ही नहीं है। अच्छा कोई और देख लें, ऐसा करते हैं एक और ब्रांड है सीगेट को हटाते हैं, डब्ल्यू डी एलिमेंट्स, इसका भी तो होता है। सो डब्ल्यू डी का भी देख लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं। सो क्या पता इसमें कुछ हमें डिटेल्स मिल जाए अच्छी खासी। हमने कहा जी हाँ यहाँ पे भी कुछ डिटेल तो दे रखी हैं, ज्यादा नहीं दे रखा लेकिन अगेन वेस्टर्न डिजिटल वगैरह करके कुछ ज्ञान दिया हुआ है, देखते हैं थोड़ा और नीचे भी कुछ मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। और मिल जा। मैं आपके लिए कुछ और भी यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा हम थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देंगे तो। ओके यस सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ दिख रहा है आपको। अब देखो हार्ड डिस्क में यानी कि हार्डवेयर में सिस्टम रिक्वायरमेंट लिख दिया, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी एंड इट रिक्वायर्स रीफॉर्मेटिंग फॉर मैक। तो अगर आप मैक ओएस यूज करना चाहते हो तो फिर आपको रीफॉर्मेटिंग चाहिए, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये विंडोज 7, विंडोज विस्टा और विंडोज एक्सपी पे ही काम करेगा, बाकी पे नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये तो समझ में आ रहा है कि सर गेम तो है, तो इसका मतलब जो भी हार्डवेयर बना रहा है ना वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार बना रहा है, और जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए बना रहे हैं। तो मजे की बात ये है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम संसार में कितने हैं, चलो गिन लेते हैं थोड़े से। लिनक्स काम नहीं होता लेकिन उस पर कॉमर्शियल नहीं है, सोलारिस कॉमर्शियल नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता। अच्छा 99% क्या यूज करते हैं, विंडोज। अच्छा और मैक ओएस 4। अच्छा कुछ मोबाइल के भी बता दो, पुराना चलता था सिम्बियन, एक सैमसंग भी यूज किया करता था बाड़ा करके ओएस, तो एप्लीकेशंस नहीं मिलते थे ना इनको,
नोकिया ने भी तो यही गलती की थी। नोकिया ने बोला कि देखो एंड्रॉइड पे लिए लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं और एप्पल के लिए लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम लोग विंडोज को लेते हैं। जब वो विंडोज को लेकर आए तो विंडोज के लिए लोग एप्लीकेशन बनाने के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि तब तक एंड्रॉइड जो है वो काफी सारा मार्केट एक्वायर कर चुका था और एप्पल निश मार्केट एक्वायर करता ही था, वो तो पहले से उसकी आदत थी। तो वो ऑलरेडी इतना एक्वायर कर चुका था कि जगह नहीं बची। तो लोगों ने भी जो होते हैं ना प्रोग्रामर भी बड़े खुश हैं, उनका एप्लीकेशन ऑलरेडी करोड़ों लोगों में जा रहा है। सो दे डिड नॉट टेक दैट इनफ पेन टू एक्चुअली कन्वर्ट मेजर एप्लीकेशंस टू एंड्रॉइड, सॉरी टू विंडोज, उन्होंने वो कोशिश नहीं की, उस वजह से वो पिट गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जी कम मिनिमम, और मैं आपको चॉइसेस दे दूं ना तो एक तरफ आता है एंड्रॉइड एंड आईओएस मोबाइल में, और अगर मैं दूसरा चॉइस आपको और दे दूं, किधर का दे दोगे? मैं दूसरा चॉइस आपको देना चाहता हूं फॉर योर पीसीज एंड सिस्टम्स, दैट इज विंडोज एंड मैक ओएस। बाकी तो लगभग लगभग कॉमर्शियल यूजेज में नहीं है और दूसरे पर्पसेज है उनके, हाँ दूसरे पर्पसेज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बोले कि सेलेबल कमोडिटीज नहीं है, ठीक है ना। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आकर के जो कहानी है वो खत्म सी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्योंकि वो कम है तो ज्यादा मेहनत नहीं है, ये भी सुखी है क्योंकि वो समझ रहा है कि मुझे अब अलग 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 मेहनत नहीं करनी पड़ती, दांत फाड़ रहे हैं, और ये भी बड़ा सुखी है क्योंकि इसको भी पता है कि अब ज्यादा मेहनत नहीं, हमें तो ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए, बाकी जनता देखे और बाकी सॉफ्टवेयर बनाने वाला देखेगा। सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने बोला कि हाँ हमारा तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो रहा है, इसका मतलब दोनों ने जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को बना लिया उनका काम हो गया। अब समझो ना, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो चल रहा है ये कैमरा को एक्सेस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? अभी कैमरा कैसा लगा है? मैंने कहा जो कैमरा है ना वो अलग से वेब कैप है, ठीक है, मैंने अलग से चिपका रखा है, लैपटॉप के साथ नहीं आया। अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूं तो ये कैमरा ही दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर इसी में तो दिक्कत हो जाएगी। सो बस एक कोशिश है, ठीक है ना, कि कैमरा जो है वो अलग से है। अच्छा, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि कैमरा जो है मेरा वो अलग से है, मुझे एक और वेबकैम ऑन करके दिखाना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट टू डू एट दिस मोमेंट, हम अपनी क्लास को डिस्टर्ब कर देंगे, डेकोरम खराब हो जाएगा। तो आप जो ये देख रहे हो ना मेरे को इतने सारे, इतने एक बार मैं हाथ घुमा रहा हूँ पीछे और लोग हाथ घुमा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं इतने सारे दिख रहा हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको कुछ हार्डवेयर भी टच करना है। हार्डवेयर दिख रहा है आपको, दिखा रहा है कि देखो इसने मेरा सीपीयू यूज किया हुआ है और सीपीयू के साथ साथ इसने कुछ मेमोरी भी यूज की हुई है और साथ साथ ये कुछ जीपीयू भी यूज कर रहा है। जीपीयू दैट इज ग्राफिक प्रोसेसर। तो मेरे पास में अच्छा ग्राफिक प्रोसेसर है मेरे लैपटॉप में, इसलिए मैं लैपटॉप से ये सब काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो ग्राफिक प्रोसेसर भी यूज हो रहा है, जीपीयू भी यूज हो रहा है, सीपीयू भी यूज हो रहा है, और मेमोरी यानी कि मेरी रैम भी खपत लग रही है, लेकिन ज्यादा नहीं लग रही है। आप देखो जीपीयू में बड़ा प्रेशर है 33% के आसपास, और सीपीयू को मैंने रिलैक्स कर रखा है, इसलिए जीपीयू होते हैं क्योंकि ग्राफिक ओरिएंटेड काम बेटर कर सकते हैं। अब आप मेरे को इतने सारे दिख दिख के कंफ्यूज होते रहो, लेकिन मैं आपको बताना बंद नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बड़े सारे हार्डवेयर टैप करने पड़ रहे हैं। तो जब हार्डवेयर जो इसके साथ में कनेक्टेड है वो भी किससे, किसके हिसाब से चल रहा है, ओएस के हिसाब से चल रहा है, और जो सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है यानी जो एक्स स्प्लिट चल रहा है वो भी किसके हिसाब से चल रहा है, ओएस के हिसाब से। तो ये जैसे ही बोलता है कि मुझे ये चाहिए तो ओएस उसको ला के देता है। अच्छा, तो ओएस क्या करता है, ओएस के अंदर भी दो चीजें आती है। ओएस के अंदर एक तो है कर्नल जो कि हार्डवेयर मैनेज करता है, और एक है शेल जो कि सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। दो टर्म्स यूज करते हैं हम लोग ओएस के अंदर, एक होता है कर्नल डिजाइन और एक होता है शेल डिजाइन। सो जो कर्नल है वो क्या करता है, वो हार्डवेयर, मतलब जब भी एप्लीकेशन कुछ हार्डवेयर मांगेगा ना तो कर्नल जाके चिपकाएगा, वो लाके देता है। वैसे ही शेल क्या करेगा, शेल जो है वो एप्लीकेशन को इंटरफेस देगा, बोले कि देख लाके दिया हार्डवेयर, अब तू इस्तेमाल कर ले, ये चलता है, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना, ये आई टेक्निकल बात, यहां पे आ सकता है एमसीक्यू। तो देखो एमसीक्यू तक पहुंचने के लिए पीछे मेहनत करनी पड़ती है और खुदाई करनी पड़ती है, वो जब माइनिंग हो जाती है ना तब जाकर के वो मेटल मिलता है, जहां से एमसीक्यू आ सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द एरियाज वेयर एमसीक्यू माइट बी आस्क्ड, माइट बी टेस्टेड। अब अगर ऐसा बोल दिया है तो सर बड़ी मेहरबानी है, मैंने कहा हाँ जी, अब हो गया काम आज का। तो एक बार के लिए मैं इस क्लास को शांत करूंगा क्योंकि आज मैं सॉरी बाय चांस लेट हो गया और 12 बजा चुका हूं मैं ऑलरेडी, और 12 बजा चुका हूं तो अब मेरा बजना बाकी है बस। सो मैं लादा रहूंगा आपके लिए कंटेंट डेवलप करने में भी टाइम लग रहा है। तो क्या पहली बार मैं ये ऑनलाइन वाला काम कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं कि इस तरह का, तो हम थोड़ा सा हो सकता है टाइम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम आपको प्रतिबद्ध है, चीजें देते रहेंगे और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसको पढ़ के बड़ा मजा आएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा टाइम डिले या टाइम लैग या जो भी कह सकता हूँ कि ऊपर नीचे मेरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा था अभी, और ये सब चीजें मैनेज करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि टीम नहीं है, तो उसको ना मेरी क्वालिटी बस ओवरपावर कर जाए, इतनी दरख्वास्त है। और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। मैं क्लासेस तो लगभग रोज ही दूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ समय की कम हो, कोई शॉर्ट क्लिप आ जाए, कोई इस तरह से आ जाए, लेकिन चलता रहेगा ये सिलसिला, हम बंद नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड लाइक ऑलवेज रिव्यू देते रहना। आप लोग देखते हो और आप बताओगे ना अगर डेली बेसिस पे कि क्लास कैसा लगा, आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना, तो वो बस वो मुझे भेजते रहना ताकि हम भी आपको कुछ एड्रेस कर पाए, ठीक है ना, मेरी तरफ से भी मैं आपको कुछ बता पाऊँ। सो दैट इज दी ओनली, बोलते हैं ना एक ख्वाहिश होती है, तो वही ख्वाहिश है, ज्यादा नहीं। और थैंक यू वेरी मच, लाइक थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। आप लोग 53 दिन में हो गए, मैंने सोचा नहीं था, एंड वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है। इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो मेरे को भी होते ना बेबी स्टेप्स लेते हैं हम लोग, और हमको बड़ा डर लग रहा होता है, क्या पता क्या होगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अच्छा है बहुत। एंड थैंकफुली आपको मेरी जो पिछली क्लासेस है वो बड़ी पसंद आई है, तो मेरे पास में फीडबैक्स भी इतने अच्छे हैं कि मैं ना ओवरवेलम हो चुका हूँ कि मेरे को लग रहा है कि अब नहीं, अब इसमें और जान छोड़ना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।